अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जी मेरे सोने भैन भ्रां दा? ते कसमे रोज़ ना मसला, की पकाइए की पकाइए, ये बहुत बड़ा मसला होता है। क्या करें आप? मुझे मिर्चें नहीं ना मिल रही थी उस दिन, तो मैंने मिर्चें मंगाई हैं। मैंने कहा स्पेशल मिर्चें लेके आना, तो अब सोच सोच के होगी मैं झल्ली कि मैं की पकावा, ठीक है ना। ते सरताज जी कहने जे टिक्के मैं लैके आना बाहरों, ते तू मसाला बना ते टिक्किया नहीं कढ़ाई खासा। मैं क्या, चलो ये टमाटर तो कुछ के जे लब्भे अजकल, हद तक मौसम टमाटर बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, लाल लाल मिल रहे हैं और सस्ते भी थोड़े से हो गए, नहीं तो 150 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि अब करते हैं जी, जब तक वो आते हैं कढ़ाई शढ़ाई बनाने की हम तैयारी करते हैं, चिकन कढ़ाई बनाएंगे। वो कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ते बस कुछ खाण ना दिल करे तो ज़्यादातर असं क्या तीर मारने हैं कढ़ाई ने। कढ़ाई बना लो जी, कढ़ाई बना लो। चलो जी, जिंज घर वाले खुश हो असी खुश, ते कढ़ाई बनाने की कोशिश करनी है, शुरुआत करने हैं। ये मैं आज डब्बे शब्बे धोते हैं, काफ़ी गंदे हो रहे थे, ते मैं क्या चलो धो लेने हैं। हम टमाटर शमाटर कट्टने हैं, ते कढ़ाई शढ़ाई चुल्हे ते स्टार्ट करने हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके। अल्लाह जी खाने च बरकत पावे, ते जिन वास्ते बना रहे हैं उन्हें पसंद आ जाए। टमाटर शमाटर कट रहे हैं जी पहले। आई ये देखो अगे भी एक बार हाथ कट चुके हैं, उत्थे पहले एकदम से टमाटर काटती हूँ। जैसे आजकल पहले अंडे को चेक किया जाता है ना, उसी तरह मैं टमाटर को चेक करती हूँ कि कोई बाहरों शक्लां तो बड़िया सोहनिया चीज़ा दी लगनियां, अंदरों तको तो आल दूसरे होंगे। तो मैंने कहा जरा चेकिंग शेकिंग करके ना फिर टमाटरों को डालती हूँ, ये ना हो के कढ़ाई साहिबा का सत्यानाश हो जाए ते मैनू पै जान फिर मुसीबत। कट जा बावे, तू तो गोश्त वाला साफ कर देता है, मज़ा नहीं है टमाटरों का। आ जाया लाल लाल टमाटर नहीं है, लाल रंग से टमाटर है वो हुए हुए फ्रीज। मैं निकाल तो लूँ उनको, लेकिन फिर मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा और कढ़ाई में साढ़े सरताज नू ग्रैंड टमाटर पसंद नहीं है, जबकि मेरा बेटा ग्रैंड कहता है टमाटर करके डाला करो। अब किस किस की बंदा फरमाइशें पूरी करे। चले जी काटते हैं इनको और मसाला तैयार करते हैं। हाथ पे चोट लगी है मेरे से, बिल्कुल नहीं काटा जा रहा, तो मैंने कहा चलो जी 80 भी आज जरा स्टाइल नाल काट लेने हैं। थोड़ा जा स्टाइल कदे कदे मार लेना चाहिए, क्यों जी सादे लोगों का भी कोई जिंदगी नहीं है जी, है कि नहीं? कि जितना सादगी सुकून है ना वो किसी चीज च नहीं है। सारी दुनिया ने चक्कर खा खा के फैशन खा कर करके ना आखिर हर बंदा इसी नतीजे ते पहुंचना है कि जी सादगी सुकून है ते बरकत है। की कहंदे हो तुसी? कमेंट बॉक्स में मैनू जरूर दस्यो कि तुहाडी राय की है, ठीक है ना जी मेरे भैणां ते भरावां ने। तो मैं तो हाथ से फटाफट काट लेती हूँ, लेकिन उंगली आज कटी हुई है तो मुझे बार बार उसी पे छुरी लग रही है, तो मैंने कहा चलो ऐसे काट लेती हूँ, स्टाइल दा स्टाइल तो कम ही हो जाएगा। चलें जी करते हैं स्टार्ट। ये ऑयल ज़रा पा देता है कढ़ाई, तो जो मैंने इन्हें सिर्फ इतना किया है कि मसाला बना लै, मैनू यह नहीं दस्या कि रोटी लैके आसो कि मैं छुट्टी है रोटी नहीं मेरी कि मैं रोटी बना लव। ये इनफॉरमेशन मैनू कोई नहीं दिती। बहरहाल चलो कि पता थोड़ी देर तक फोन आ ही जाए, जितनी देर मैं मसाला बनाती हूँ। ये बेचारा राधनिया भी मुरझा गया है,
जुलम होया है इसने ते भी, चलो तकने इसने भी कटम कटाई करने है सुथरा करके, क्योंकि भाई मेरे से तो हरे धनिए के बगैर मुझे हंडी अच्छी नहीं लगती। जब तक हरियाली भरियाली ना डले ना तो बस मेरा तो दिल नहीं करता। तो करती हूँ इसको साफ और कुतरती हूँ मैं हरी मिर्चें और ये टमाटर डाल दिए मैंने, और इधर मैंने लहसुन कह रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें काट ली हैं, और साथ नींबू भी रेडी रखे हैं, ये भी निचोड़ूंगी। तो बड़ी बारीकी से मैंने साफ तो किया है, लेकिन आजकल ना कुछ दिन ही पहले मेरे मियाँ जी कह रहे कि यार तेरी जुल्फें बहुत लंबी हो गई हैं। मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा क्यों ना, मेरे बाल अच्छे हो गए। और मुझे कहते हाँ बहुत अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए कि अब खाने में से निकल रहे हैं। मैंने सलाद बनाई थी, सलाद में से एक बाल निकल आया, जो फिर मेरी इज्जत अफजाई हुई ना कि मैं क्या बताऊँ। यकीन करो घर के 10 बंदे खाना खाएंगे ना तो किसी के खाने में से कोई चीज़ नहीं निकलेगी। जब मेरे हस्बैंड खाने लगते हैं उनके खाने में से या तो कोई रोड निकल आएगा या कोई उनकी टमाटर प्याज को पकड़ के यूँ दिखाएंगे टमाटर प्याज क्यों निकल रहा है बीच में से जी। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके साथ ऐसा हो जाता है। इतनी एहतियात, इतना सब कुछ करने के बावजूद किसी टाइम पे ना पूरे घर वाले के 10 बंदे खा लेंगे, किसी को कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी के सरताज खाने लगेंगे तो ये हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा ना थोड़ा शक्की होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होता है अपने खाने के बारे में, फूड के बारे में, मेरे ख्याल में तो ये उस बंदे के साथ हो जाता है। आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैंने ये चीनी मंगाई हुई थी और मैंने डब्बे बहुत गंदे हो रहे थे तो मैंने धोए हैं। इस अब डालती हूँ मैं इसके अंदर चीनी, महंगाई बहुत हो गई है जी। डब्बा हो गया खुशक, तो अब हम डाल रहे हैं इसमें चीनी। जो जो डब्बा खाली होता है ना कोई मसालों वाले तो मैं साथ साथ धो देती हूँ, क्योंकि खाली होते नहीं है, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। तो बंदा कहता है जब ख़त्म होगा तो तब। तो मैंने कहा चीनी तो भर के रख लेते हैं ना जी। डब्बा हो गया, अभी इसको भी भरना है, ये बच गई है, इसको साथ साथ यूज़ करती रहूँगी। टमाटरों की हो रही है धुलाई खिलाई, अच्छी तरह इसकी धुलाई कर लूँ, फिर इसको ज़रा मसालों से इसकी मेकअप करूँगी, इसका मसालों का अच्छा सा प्यारा सा, जैसे ये लालो लाल हैं इनकी खूबसूरती के चार चांद उतने ही लगने चाहिए। ज़बरदस्त ही बुनाई कर रही हूँ लेकिन टमाटर तड़क तड़क के बाहर निकल रहे हैं, आज पता नहीं क्या हो गया इनको, नाराज़ है शायद कि भाई टाइम टाइम से कट देता यार। अब मसाले डालूँगी ताकि ये ज़रा खुश हो जाए कि हमारा मेकअप हो गया जी। अब तैयार हो चुका है ग्रेवी के लिए मसाला, अब ये मसाले डालेंगे ताकि लालो लाल हो जाए। और अभी जो टिक्कों का तो कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई आया है, मसाला मैंने बना दिया उन तक को, टिक्के डल के खाएंगे कि खाली मसाला ही खाएंगे कुछ पता नहीं है। रश भी होती है ना किसी टाइम, कोई मसला भी हो जाता है। चलो जी कभी कभी ऐसे भी होता है, टिक्के ना आए थे मसाले नाल ही खा ले, सो मसाला भी सही भुना हो तो बहुत मज़े का लगता है। चलें जब इसको ढकते हैं ज़रा ताकि ये सुकून से अपना प्रोसीजर पूरा करे, परेशान ना हो। चलो जी शुक्रिया, आखिरकार पहुंच गए टिक्के और हमारे मसाले की बन जाएगी रौनक। ऐ देखो जी चुप के जा इनको निकालते हैं हम। ये आगे टिक्के आगे गर्मा गर्म गर्मा गर्म, बिस्मिल्लाह तो हम करें। बहुत मज़ेदार,
चलें जी के आ गए और मसाला भी मज़ेदार रेडी है। हम इसमें शामिल करते हैं इनको, ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि अच्छा सा रूप चढ़ जाए, कोटेड हो जाए मसाला कोटेड। वाओ सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जी अब थोड़ी देर इनको हम ढक देते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लें, और फिर हरा धनिया वगैरह डालते हैं और सर्व करते हैं। रोटियां बनानी पड़ेंगी जी, डालते हैं हम फुलके और इंजॉय करते हैं जी। ये तो दो पेड़े बनाए हैं मैंने साथ, जल्दी से जल्दी दो फुलके डालते हैं और खाना देते हैं। नींबू निचोड़ेंगे, रज रज के मैंने डाला है नींबू। ये डाल दी थी हरी मिर्ची, दिल खोल के डालने जी हरा धनिया, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली। वाओ माशाल्लाह देखिए जी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है, टिक्का कढ़ाई। इसको ढकते हैं, पर्दे में आ गया जी। अब रोटी डालते हैं, मैं भाभी के सामने कैसे